बार ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी में मानसून ने दस्तक दी। इसी क्रम में आपको बता दें कि हरियाणा के हिसार में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के नजदीक पेड़ पर बिजली गिरी, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई। देखिए वायरल वीडियो। सिस्टम बोलता कौन सारा होता बोलता है भाई। इबे बड़ी है जमा, इबे जमा, इबे एक मां थोड़ा रुके हां, रुक दी बड़ी झाड़ है। नर्सरी में पड़ गई भाई यार। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में बैटरी की दुकान में भीषण लग गई आग, लाखों के सामान जलकर हुए राख। देखिए पूरी रिपोर्ट। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र स्थित एक बैटरी के दुकान में भीषण आग लग गई। दुकान के शटर से धुआं और आग की लपट निकलता देख आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं जिस मकान में आग लगी वहां 5 मंजिला था, उसमें 6-7 लोग रहते थे। आग की सूचना मिलते ही सभी घर से बाहर निकल गए। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर दशमे थाने की टीम ने सड़क से 2 लोगों को हटाया और फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दुकान के शटर को पानी मारकर ठंडा किया और स्थानीय लोगों की मदद से दुकान का शटर खोला। आग पूरे दुकान में फैल चुकी थी। दुकान में बैटरी होने की वजह से बैटरी फटने का खतरा भी काफी ज्यादा था। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह से काबू पाया। दुकानदार के मुताबिक दुकान में पुरानी और नई बैटरी मिलाकर लगभग 45 बैटरी थी, जो जल जाने से लगभग 25 से 30 लाख रुपए तक का दुकानदार को नुकसान हुआ है। वाराणसी के पांडेपुर नई बस्ती में सौतेली माँ से होती थी अनबन, जिसकी वजह से मासूम ने उठाया गलत कदम। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं और जानते हैं इस रिपोर्ट में। नई बस्ती पांडेपुर इलाके में एक किशोरी ने दुपट्टे के सहारे फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। सूचना पर पहुंची लालपुर पांडेपुर थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू की। घटना लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के नई बस्ती हुकुलगंज इलाके की है। पांडेपुर नई बस्ती हुकुलगंज इलाके की रहने वाली सुलेखा पांडे ने बताया कि मेरी माँ चंद्रलेखा पांडे की मौत वर्ष 2007 में हो गई थी, जिसके बाद मेरे पिता स्वर्गीय सुनील कुमार पांडे ने इंदौर के रहने वाले सुमन पांडे से दूसरी शादी की थी। अपने माता पिता की 2 संतानों से संचिता पांडे की छोटी बहन सुलेखा पांडे ने बताया कि मेरे पिता की दूसरी पत्नी से भी एक बेटी सुलेखा पांडे हुई, जो हमारे साथ रहकर चौकाघाट इलाके के एक स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ती थी। आपको बता दें, सुलेखा ने बताया कि उसकी छोटी बहन सुलेखा की अपनी माँ सुमन पांडे के साथ नहीं बनती थी और कल भी किसी बात को लेकर अनबन हुई, जिससे नाराज सुलेखा ने बाथरूम में जाकर फांसी का फंदा बनाकर अपनी जान दे दी। रामनगर वाराणसी में बंदरगाह के नाम पर फ्रंट विलेज योजना के लिए गरीब किसानों की जमीन व घरों को उजाड़ने का कार्य जिला चंदौली के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में गरीब किसान महापंचायत के लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं और जानते हैं। जी, तो ये एकदम औचित्य से विहीन है। इसको एकदम तुरंत तत्काल से, जैसे कि अब आप समझ लीजिए, इसमें हमारे जनता की जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि हमको भ्रमित करके आज इनकी जमीन ले रहे हैं, कल उनकी जमीन लेंगे, सारे गांव की जमीन लेंगे। उनको 100 एकड़ यहाँ पे जमीन चाहिए, वो बड़े पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस जितना जल्दी हो सके इस परियोजना को रोके और किसानों की जो आवाज़ है उसको सुने, नहीं तो अयोध्या का मिसाल आप देख लें। अयोध्या में आज सारी परियोजनाएं ठप करने का इन्होंने निर्णय लिया है। मैं अभी पेपर में भी पढ़ा, आपकी यूट्यूब के माध्यम से भी देखा कि जितनी वहां परियोजनाएं थी, वहां पे लाई गई थी, इस समय उसको बंद करने का काम किया गया है। तो उसका उदाहरण लेते हुए ताहेपुर मिल्कीपुर के भी बंदरगाह में रेड विलेज के नाम से जो जमीन लेने का काम किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, मेरा यही निवेदन। मैं चंद्रभानु यादव जी, मैं समाजवादी पार्टी मधु सुभाग जिला अध्यक्ष चंदौली। अध्यक्ष सर, जैसा कि अभी भाई ने बताया कि नदी में नहर में पानी डालने के लिए नदी में पानी नहीं है, किसानों के लिए पानी नहीं है और जहाज उतारने की बात हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो सरकार है एकदम पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, जबकि यहाँ किसान पहले से परेशान है। उनको अभी हमारे साथी ने बताया भी कि नहर में पाओ आपके गंगा नदी में पानी भी नहीं है, जिससे किसानों को खेती के लिए पानी उपलब्ध करवा सकते हो। ये वास्तव में इनका जो बड़े बंदरगाह जो बना रहे हैं, या
उसमें कैसे इनकी नाएं चलेंगी, वो कैसे आ सकते हैं, सामान ढो सकते हैं। और यह इस तरह का जो इनका प्रायोजन सरकार का है सीधे सीधे किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। इस परियोजना जितना से अधिक से होता है इसको तत्काल जो है निरस्त किया जाए, क्योंकि उस परियोजना से न किसानों को लाभ होने वाला है, न यहाँ के रहने वाले जनता का लाभ होने वाला है, इससे कोई लाभ नहीं है। इन्होंने जो भी रिक्वायर किया है बनाए जमीन को, उसमें जो भी इनको करना अपने करें। और यहाँ के किसानों ने इसे अपना जो है लड़ाई लड़ने के लिए एक किसान महापंचायत गठन कर लिया है, उसके तहत इन्होंने निर्णय ले लिया है हम सभी किसानों ने कि यहाँ की एक भी इंच जमीन हम जो है जो फर्नीचर बना रहे हैं उसे हम नहीं देंगे। और जो भी सरकार को आना है, जो अधिनियम 2013 में बना हुआ था उस नियम के तहत से आएंगे तो हम इनसे बात करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं करेंगे। मतलब सरकार अगर अधिनियम 2013 के हिसाब से अगर आती है तो आप लोग बात करने के लिए तैयार है? एकदम आवे उसमें, यदि यहाँ किसान सहमत है, 70% किसान सहमत है, 80% किसान सहमत है, तो यदि तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, जो अधिनियम बना हुआ, जो अधिग्रहण नियम बना हुआ है उसके तहत आवे। जबरिया कुछ भी करेंगे हम करने नहीं देंगे, इनका जो विरोध करेंगे हर एक लड़ाई लड़ेंगे, एक इंची जमीन नहीं देंगे इनको। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम कन्हैया लाल राव है, ग्राम प्रधान ताहीपुर वर्तमान। सर जी, यहाँ जो मीटिंग हो रही है, जैसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो सरकार भूमि अधिग्रहण कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि यहाँ पर बंदरगाह चलेगा नहीं, और ये सरकार के लोग यहाँ पर सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, जबरियन का वाला ये आगे किसानों को धमकी दे रहे हैं, और यहाँ पर कुछ अधिकारी ऐसे आ रहे हैं कि प्रधान से मिल भी नहीं रहे हैं, और हमारे यहाँ पूर्व प्रधान को लोग बंधक भी बनाए थे। अब ये कितना सत्य है कितना गलत है ये आप मीडिया द्वारा पता करिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये सरकार के साथ साथ अधिकारी भी दमन नहीं दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? मतलब आपको ये कह रहे हैं कि ये जो अधिकारी लोग आ रहे हैं, हाँ, तो वर्तमान में जो यहाँ के लीडर हैं, जो नेता प्रधान है, हाँ, उनसे मिल भी नहीं, कोई वार्तालाप नहीं हो रहा है। यहाँ पे चंद चलाक लोगों से मिलकर अब क्या है चक्कर, दलाली है कि क्या है चंद चलाक लोगों को, और उन्हीं से मिलकर चले जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से लोग आ रहे हैं, सरकार की तरफ से भी लोग नहीं, सरकार की तरफ से लोग मना कर रहे हैं, यहाँ पे चंद चलाक लोग हैं, है जो कि उसको चंद चलाक बोल लीजिए या तो बंदरगाह का दलाल मान लीजिए, ये लोग का वाला मिलकर उनके साथ का वाला वो यहाँ पे किसानों को परेशान किया जा रहा है। अभी तक कोई अधिकारी हमसे आगे नहीं मिला, और हमारे पूर्व प्रधान का कहना था कि पिछले बार का वाला ये डीएम साहब ने इनसे जबरियन का वाला साइन करवा रहे थे, हैं? तो हमसे क्यों नहीं करवाए, सब हमसे क्यों नहीं बोले? और जब साइन नहीं किए, हमारा बात सुनिए, जब साइन नहीं किए तो फिर ये कैसे लागू हो गया बंदरगाह? बिना साइन का उस समय नहीं हो रहा था, तो अभी कैसे लागू हो गया, ये हम आपके मीडिया द्वारा जानना चाह रहे हैं, और आप ये हमको पता करके बताइए हमारे पूरे जनता को कि इसमें कितना सत्य है कितना झूठ है। और ये यहाँ पर सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ चंद चलाक जो लोग हैं जो कि बंदरगाह सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि ये ऐसा गंदा काम न करें, क्योंकि बंदरगाह यहाँ चलेगा नहीं, किसान बेचारे बहुत यहाँ दुखी हैं। प्रधान जी, हम ये कहेंगे कि जैसे आप प्रधान है यहाँ के और जो भी लोग आते हैं, तो तरीका यही है कि आपसे मिलना, हमसे मिलना चाहिए, तो इसके लिए आपने कंप्लेंट किया आगे कि किससे किया जाए, किससे किया जाए? सर जी, आप लोग बेहतर जान सकते हैं भाई, काफी लोग कहीं कहीं मीटिंग हुआ, मीटिंग में भी हमने बोला जी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकला। चलिए, हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हमारी वीडियो योगी जी तक पहुँचे, और पहुँचे जो है इतनी जो है मनमाना काम हो रहा है भाई, अधिकारी को इतना अधिकार हो गया कि प्रधान को बैठा ले बंदर। सर, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम गंगाराम सहनी है, इसी ग्राम का निवासी हूँ, ग्राम ताहिरपुर मिल्कीपुर, जिला चंदौली पड़ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ, ओबीसी मोर्चा का। मतलब आप बीजेपी से ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष? जिला उपाध्यक्ष भी हैं। सर जी, प्रशासन की तरफ से और खास करके आपके पार्टी की तरफ से ये खास करके ये किया जा रहा है कि मतलब जनता को उजाड़ा जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी योजनाएं हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं, लेकिन ये जो हमारे गांव की बात आई है, मैं अभी हम लोग अभी इस चंदौली लोकसभा से चुनाव हारे हैं, समीक्षा बैठक थी उसमें मैं गया था। इसकी लड़ाई तो मैं पहले से ही लड़ रहा था, जब से बंदरगाह आई 2019 से लगातार हम लोग लड़ रहे थे, पूर्व प्रधान जी लड़ रहे थे। तो अभी जब समीक्षा बैठक एक हफ्ता पहले थी, तो मैंने वहाँ जो पर्यवेक्षक आए थे हमारे और जिला अध्यक्ष थे, सारे लोग थे, तो मैंने उनसे कहा, सारी बातें लोगों ने कहा, लेकिन मैंने अपनी एक ही बातें रखा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से ग्राम ताहीपुर मिल्कीपुर से मैं बूथ जिताता हूँ,
भारतीय जनता पार्टी को जो गांव वोट दे रहा है उस गांव को उजाड़ा जा रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, और इसको आप मुख्यमंत्री तक मेरी बातों को पहुंचाइएगा, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे। ये मैंने चेतावनी दे दिया है और हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई भी होगी, और उसके लिए मैं अभी आगे भी बात किया हूँ, करूँगा। वे माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी आए थे, उन्होंने भी वादा किया कि भाई जितना जमीन एक्वायर हो चुका उससे आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हम लोग की मंशा है कि आगे एक भी जो बंदरगाह आया है वाराणसी जिले के लिए वो वाराणसी जिले में ही जाए, चंदौली की तरफ न बढ़े। चलिए, आपने जो है माननीय योगी जी के तक अपनी बातें पहुंचाई है, पहुंच गई है। जनता अभी भी बहुत ज्यादा व्याकुल है, परेशान है, तो जनता को कैसे आप लेंगे अपने? देखिए, अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो हम भी तो जनता है इस गाँव के, हमारा भी तो जमीन प्रभावित है, तो उसमें तो हमको लड़ना ही है भाई। मैं पार्टी का पदाधिकारी से थोड़ा मतलब है भाई, अगर मैं जिस दिन उजड़ जाऊंगा तो क्या मतलब बनेगा? और 2013 की जो बता रहे वकील साहब उसके अनुसार आप आएंगे तो आपको फिर आगे कानूनी प्रक्रिया से हम लोग बातें किया जाएगा, लेकिन हमारी मंशा है कि हम बंदरगाह को जमीन नहीं देंगे। मैम, सबसे पहले आपने अपने बारे में बताया, आपका नाम बताया? नफीस बानो मिल्की। मैम, यहाँ पर जो ये फ्रंट विलेज के नाम पर जो है वह उजाड़ा जा रहा है सरकार की तरफ से, इस पर आप क्या कहेंगे? ये गांव हम लोग नहीं देंगे, बंदरगाह के लिए तो कतई नहीं देंगे, इसके लिए बच्चे बच्चे मर जाएंगे, लेकिन इस गांव के एक भी आदमी बंदरगाह में नहीं देगा। मतलब ये जो प्रशासन जो है जबरदस्ती भी कर रही है, सुनने में यह है कि जो 40 लाख 50 लाख रुपए बिस्से की जमीन है उसको 1 लाख रुपए बिस्से मांग रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम नहीं देंगे, 1 लाख मांगे या 5 लाख दें, हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हम जाएंगे कहाँ? हम देंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारा पूरा गाँव बसा हुआ है, हम इस गाँव को देंगे नहीं।